आज तक आपको ऐसा ट्रिक किसी ने नहीं दिखाया होगा। यहाँ भी देखो लाइक ऐसा डाउन है, बिल्कुल पूरा डाउन। ओए ओए, और यहाँ भी देखो ऐसे खुजली का पत्ता है एंड यहाँ पे लग गया हाथों में एंड देखो पूरा खुजली भी होने लग गया है। और भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओ शिट मैन, देख रहे हो गाइस, काफी बदमा करो, चैकल खोलो। कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए, क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पे भालू वालू भी मिलते हैं। तो एक लोकल बंदा मिला था, काफी लाइक बदतमीजी से बातें कर रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। और एक दिन की शुरुआत हो चुकी है कि गुएमा से, और एक अभी रास्ते पे हाईवे में एंड सुबह सुबह रोजू भाई के घर से निकल के रोजू भाई चले गए नागा हेरिटेज विलेज पे, क्योंकि उनका काम था। तो हम निकल गए सुबह सुबह, आए उनके घर से। और अभी हाईवे पे देखो काफ़ी धूल है यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं जुको वैली पे, तो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है यार। देखो बहुत ज़्यादा धूल है, मतलब पूरा धूल धूल हो रखा है एंड पूरा फेस पे आ गया, कपड़े पे आ गया, मतलब थोड़ा दूर ही हम लोग चल के आए एंड धूल ही धूल हो गया। देखो देख सकते हो भाई, नागालैंड पे यही सीन देखने को मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे भाई रास्ते का बहुत दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा धूल होता है। और देखो सांस लेना भी मुश्किल हो गया यार। चलो फटाफट चलते हैं, अभी लिफ्ट लेके चलते हैं। जैकिंग करते हैं अब। अरे भाई बैन बज गया यार थोड़ी देर में ही। चलो ये चैकिंग करते हैं, बने रहो आप लोग। भाई साहब मन तो कर रहा है यार इस पहाड़ से कूद जाऊं, इतना ज्यादा धूल आ रहा है ना, सही में दिमाग खराब हो गया। भाई साहब क्या करें यार, बहुत सारा धूल है यहाँ पे नागालैंड पे, बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, धूल भी बहुत ज्यादा है। ट्रक रोक दिया, तो भाई यहाँ पे देखो एक ट्रक वाले ने रोक दिया है। काफी देर के बाद एक ट्रक ने रोका है यहाँ पे अपना पीयूष भाई है। चलो आज का पहला लिफ्ट तो मिल गया। ये हम लोग जा रहे हैं जुको भैया, जुको। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू सो मच बताने के लिए। कहाँ से हो आप लोग? आसाम से। यहाँ पे देखो भैया लोगों ने बताया कि मतलब रास्ता बिल्कुल ये सामने ही है, तो हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नाम क्या भैया? एवी अमन व्लॉग्स। एवी अमन व्लॉग्स, हाँ ठीक है, बाय बाय। तो भाई पता लग गया कि अब कहाँ पे है, बिल्कुल सामने ही है, तो यहीं से अभी ट्रैक शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमें लेना अभी मैगी वगैरह कुछ, वहाँ पे हम बनाने खाने के लिए कुछ सामान लेना है, लाइक मैगी लेंगे एंड कुछ सब्जी वगैरह हल्का फुल्का। तो अभी हमें दुकान ढूंढना पड़ेगा, पीछे भी दुकान मिला नहीं एंड कई सारी दुकान थी तो वो भी बंद था। अभी थोड़ा देर के बाद में लाइक थोड़ा रास्ता खाली हुआ है, वैसे रास्ता बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे एंड रास्ता का हालत बहुत ख़राब है यार, ये देख सकते हो। एंड इधर देखो पहाड़ काफ़ी सुंदर सा, वैसे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आज, बहुत ही सनी डे है एंड बस यही चाहिए था कि हम जुके जाते समय धूप हो, मौसम अच्छा हो, तो बिल्कुल धूप हो चुका है और मौसम काफ़ी बढ़िया है, लेकिन धूल बस परेशान कर रहा है थोड़ा सा। तो अभी हम ट्रैक के रास्ते पे पहुंचने वाले ही है, ट्रैक के रास्ते पे पहुंचने के बाद बिल्कुल धूल वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो काफ़ी फ्रेश फील होगा। लेकिन हमें अभी दुकान जाना पड़ेगा एंड वहाँ से मैगी टोमेटो एंड जो भी खाने पीने का चीज़ है थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि कल कुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जुको में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है नहीं और हमारे पास बजट भी नहीं है, तो हम खुद ही बनाएंगे एंड एक गैस कैन भी लेना पड़ेगा क्योंकि गैस कैन भी ख़त्म हो गया। चलो इधर दिख रहा है अभी कुछ घर वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं अगर दुकान मिला तो यहाँ से लेंगे। हाँ आप ढूंढने आओगे? अच्छा तो आप लोग गाइड है क्या? नहीं तो उसका ऊपर में हमको ऊपर में क्या बात करता है, आप गाइड लो ना वो तो। अच्छा अरे रूल रूल है ना,
गाइड लोग बोला है ना। हाँ, अच्छा। गाइड नहीं लेने से ये हमको ऐसे बात करेगा क्या तुम लोग? नहीं नहीं ऐसा तो रूल कहा है वो, हम विदाउट यहाँ एंट्री होगा फिर हम आप लोग घूम गया तो हम ढूंढने के लिए ये कहा लेकर रखा है, आप गाइड लो ना। अच्छा विदाउट गाइड भी तो जा सकते हैं ना? हाँ विदाउट गाइड भी जा सकते हैं। हाँ आप तो हमें जाने नहीं दोगे बोल रहे हैं। कुछ नहीं हम बस इतने तो आपकी दुकान पे एंट्री कराई है। मेरा दुकान जो ना आगे से कस्टमर आएंगे वो भी है ना दुकान से वो राइट आएगा तो बाद में क्या रूल रखा है तो मतलब अगर सही रहेगा तो जास्ती बात मत करो चलो चलो भाई चलो। तो कहते अभी ट्रेक स्टार्ट कर दिया है जुको का और देखो यहाँ पे भैया लोग मिले। बताओ यार जुको आप लोग गया है क्या? आराम से बहुत अच्छे गया है ना? हाँ जाके आओ। अभी ये आप लोग गया है क्या? जा गया हम लोग तो जाता है बस आता है जाते है, आते है ना। पर जुको तक गया है क्या? मतलब गली ऐसे रास्ता है छोटा स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा अच्छा उसमें निकल जाने से बस दे रहे। ओके तो अभी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो जहाँ पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना आप वाला। अच्छा वो वाला पहाड़ी है ना वहाँ तक पहुँचेगा तो बस। वैसे मौसम काफी अच्छा है और अच्छा से निकलेगा तो मतलब डेढ़ घंटा में पहुंच जाएगा। डेढ़ घंटा में आराम से ऐसा बैग लेके कितना में? डेढ़ घंटा। ओके चलो डेढ़ घंटा बता रहे भैया देखते कितना लग गया। अभी पूरा पूरा चलना पड़ेगा याहू हे याहू तो नहीं हो पाएगा मेरे कौन सा इधर है या इधर हम लोग इधर ही है। ओके ओके एक लकड़ी थोड़ा कहीं पकड़ लो। ठीक है ठीक है वो जहाँ स्टेप है ना हाँ वहाँ तो जाने की जाएगा तो बस। ओके लकड़ी वकड़ी लेते हैं और चलते हैं। यहाँ नीचे हमें एंट्री करवाया 100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए बहुत अच्छे बहुत अच्छे वो होना चाहिए। हाँ तो अगर क्या वो अगर हम गुम हो गए तो वो लोग ढूंढेंगे क्या? नहीं वो मतलब रखना जरूरी है। अच्छा अच्छा कोई मिस्टेक हो गया तो उसका कमेटी का आदमी जाएगा ना। ओके ओके वहाँ पे जाके देखेगा। अच्छा अच्छा ठीक है निकल के जाके आइए। ठीक है हम लोग तो जाते रहता है जाते रहते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है बस आराम से जाके चलो। भाई लोग जा रहा है हाँ अभी अभी निकला है। हाँ मिल जाएगा उन लोग से। ठीक है ब्रो ठीक है भी बहुत ज्यादा जा रहा है आराम से। ठीक है एक दो सेट करके आऊंगा वेलकम करके आ जाइए। ठीक है बाय बाय। ओके बाय बाय। तो चलो अभी ट्रैक करते हैं यानी यहाँ भी तो ठीक ठाक से रास्ता है अभी आगे से ऊंचाई वाला मिल जाएगा यानी इस रास्ते पे गाड़ियाँ भी जा रही है किसी से लिफ्ट मांगता हूँ। बाय 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 थैंक यू। एंड मेरे सामने यहाँ पे एक नदी भी है ये नीचे एक नदी चल रही है तो काफ़ी फ्रेश है मौसम वैसे देखते हैं अभी डेढ़ दो घंटे में अगर पहुँच जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा लेकिन मेरे को नहीं लगता क्योंकि बैग काफ़ी भारी है ना 15 या 20 kg का वेट है बैग में अभी से थकना स्टार्ट हो गया हूँ। एंड चलो आप लोग बने रहो। तो बस नीचे हमने एंट्री करवाया 100 rupees लिया एंड हमने सोचा था कि बेस कैंप पे जाके एंट्री करवाएंगे क्योंकि इतना आइडिया नहीं है इस बारे में तो एक लोकल बंदा मिला था काफ़ी लाइक बदतमीजी से बातें कर रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। चलो कोई नहीं हर कोई सेम नहीं होता। ट्रैक देखो रास्ते कुछ ऐसे हैं यहाँ से तो गाड़ियाँ भी जाती लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं। सामने नदी है ये वाला वाह यार इसमें तो काफ़ी ठंडा पानी है क्योंकि पूरा पानी वाइट दिख रहे हैं। काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे देखो आप दो रास्ते दिख गए हैं एंड यहाँ पे साइन बोर्ड भी दिखा हुआ है ये देखो वे टू जुको वैली ये देखो वे टू जुको। तो अगर ऐसा साइन बोर्ड मिलता रहा तो काफ़ी आसानी होगी लेकिन यहाँ से फिर दो रास्ते हैं एक रास्ता इधर को गया है एंड एक इधर को गया है और यहाँ भी देखो यहाँ पे नदी है काफ़ी ठंड पानी आ रहा है इस पर क्योंकि पूरा वाइट सा पानी हो गया लाइक स्नो पिघल के ही आ रहा होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है ठंड। एंड ओके आई थिंक ये नदी पे गया हो ये सही रास्ता नहीं है यही जाना पड़ेगा शायद लगभग 2 या 3 kilometers ही चले अभी तक बोल भी नहीं पा रहा हूँ सांस काफ़ी फूल रही है और अभी हाई लेवल का ऊंचाई भी नहीं आई ये देखो लेकिन काफ़ी गर्मी लगने लगा है मौसम वैसे काफ़ी ठंडे लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि ट्रैक कर रहे हैं ना इसलिए। ये देखो अपना पीयूष भाई पूछते भाई का क्या हाल है भाई बोलने लायक नहीं हो। अरे 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 डिहाइड्रेट नहीं होने का पानी पी के चलने का। अच्छा इनका अगर आप लोग भी ट्रैक करते हो ना
तो पानी वानी लेके चलना, खाने पीने का चीज़। और हमने गलती क्या कर दिया पता है, चने वगैरह भिगो के लाए नहीं हम, प्लानिंग था बट हो नहीं पाया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी लग रहा है, एंड हमने हैवी तगड़ा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चाय वाय पिया था। तो अभी चल रहे हैं जाके, आगे हम करेंगे लंच, हम पैक करके लेके आए हैं लंच नीचे से, तो ऊपर जाके हम लंच करेंगे। तो भाई काफ़ी दूर चलने के बाद अभी देखो एक यहाँ पे साइन बोर्ड दिखा हुआ है जुको का, ये देखो वे टू जुको। वाह भाई क्या सीन है, ये देखो अगर ऐसी गाड़ी होती ना एक मज़ा ही आ जाता, तगड़ा ऑफ रोडिंग करते। ये बैग थोड़ा सा परेशान कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा ट्रैक है हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रैक कर रखा है। तो ये ट्रैक तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 2 किलोमीटर का एक चौड़ाई मिलेगा, एंड उसके बाद बस प्लान ऐसा ही है। एंड ये देखो ये भी हल्का फुल्का ऊँचा है, बस ज़्यादा भी नहीं है। केदारनाथ एंड लाइक हिमाचल के ट्रैक से तो बहुत ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये तो सभी नहीं है। एंड देखो अभी 18-20 kg का बैग लिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत और है, नहीं तो कुछ नहीं था ये। सो मैं तो सोच रहा था यार ऐसे ही ट्रैक होगा, लेकिन अब ये देख के तो मुझे डर लगने लग गया यार, ये क्या है, यहाँ तो चिड़िया है। एंड ये दिखा रहे रास्ता यहाँ पे वे टू जुको, तो आई थिंक यहाँ पे गुम होने का बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि सारे जगह पे मुझे बोर्ड दिख जा रहा है, अगर ऐसा ही आगे तक दिखता रहा ना तो गुम होने का चांसेस नहीं है। बट नीचे लोग बता रहे थे कि लोग खो भी जाते हैं एंड पैर वेर भी टूट जाता है, तो थोड़ा रिस्की रहता है, सिर्फ गाइड लेकर जाओ बोल रहे थे, लेकिन हमें गाइड लेकर बिल्कुल भी घूमने का शौक़ नहीं है, कहीं भी आज तक मैंने गाइड नहीं लिया है एंड ना ही कभी लूँगा, क्योंकि गाइड लाइक ना हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं यार, इसीलिए गाइड नहीं लेने चाहिए कभी भी, अकेले जाओ मज़े करो। तो ये ट्रैक है, अभी देखो आई थिंक उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा हमें, तो अभी चलो इस पे चलते हैं, चलो इस ट्रैक को शुरू करते हैं। हाँ तो ये सीढ़ियों वाली ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और गाइस ये जो ट्रैक का रास्ता है ना बहुत ज़्यादा घना जंगल है, और ट्रैक में मतलब रास्ते में पानी पानी है, ये देखो जूते का हाल भी ख़राब हो रहा है। ओ भाई साहब कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है यार यहाँ पे, तो ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और बाकी जंगल देखो, आप देखो एक बार कितना जंगल है, लग ही नहीं रहा कुछ ट्रैक वगैरह है, पता नहीं यार इसको कौन मैनेज करता है, थोड़ा सा जंगल वंगल काट के रखना चाहिए ना। बाकी चलो देखते हैं कहाँ तक ऐसा जंगल रहेगा, और अगर एक बार पहाड़ियों पे पहुँच गए ना तब मज़ा आएगा, व्यू भी अच्छा दिखेगा। आप लोग बने रहो, वैसे काफ़ी थकान हो रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है अभी तो, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। एंड देखो अभी व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाऊँ आपको, सस्ता ड्रोन शॉट, ये देखो। और बताओ कैसा कैसा लग रहा है आपको बताओ। बाकी ट्रैक बहुत मस्त है, आ जाओ ऐसे एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, जंगल वाला अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे इस जंगल वाले ट्रैक में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जंगल है और जो भी सीढ़ियाँ है वो भी नेचुरल पत्थर से बना रखा है, लेकिन किसने बनाया क्या है कब बनाया ये सारा कुछ भी पता नहीं है, बस पता लगा अचानक से कि यहाँ पे एक ट्रैक है, और बस हम बैग उठाए और आ गए यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। भाई चढ़ाई चढ़ाई देखो, अभी आए जस्ट यहाँ से, अभी देखो यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और अभी फिर और एक यहाँ पे चढ़ाई देखो ये पीछे, भाई आज बहुत खतरनाक चढ़ाई होने वाला है, बने रहो। वैसे एनर्जी लेवल डाउन होने नहीं दूंगा, अगर मरने के कगार पे भी हो जाओ ना तो भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा आज, क्योंकि आज आपका भाई फुल जुको वैली जाने के मूड में है, और जुको वैली जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ पे। कैमरामैन फोकस करो। ओह भाई साहब बहुत तगड़ी ट्रैक है यार, चला भी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल है, देखो पैरों पे काफ़ी दबाव पड़ रहे हैं, हाँ क्योंकि बैग बहुत भारी है यार, बैग की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। वे टू जुको यहाँ पे देखो, और गैस यहाँ पे और एक चीज़ देखा है मैंने, यहाँ पे देखो ये जो मेन रोड दिख रहा है ना, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे भाई अगर आपके पास गाड़ी है ना थार वारे, तो आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो। ये देखो गाड़ी का रास्ता भी गया हुआ इधर से। बाकी हम तो पैदल वाले लोग हैं तो पैदल ही जाना पड़ेगा यार, शॉर्टकट मारते मारते। यहाँ पे देखो अभी इधर से आए शॉर्टकट और फिर शॉर्टकट पे जाना है अब। चलो बने रहो आप लोग, अच्छा ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करके जाएंगे क्योंकि ट्रैक में बहुत शॉर्टकट होते हैं। भाई कह रहे कि लॉन्ग कट जाएंगे, जल्दी आ जा, लॉन्ग कट बहुत होगा। तो हम भाई ट्रैक करके जाएंगे वो भी शॉर्टकट मारते हुए। ये शॉर्टकट है यहाँ पे, चलो आप लोग शॉर्टकट के मजे लो। और भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ शिट मैन, देख रहे हो गाइस, यहाँ से अगर फिसल गए ना सीधा नीचे। ओह भाई साहब बहुत ज्यादा डेंजरस यार। और यहाँ पे तो बल एंड गाइस, यहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि रास्ता किधर है, ये कौन सी जगह पे आ गया यार। लेकिन आज मैं बन गया हूँ फुल नागा, आज हम भी लाइफ एंजॉय करते हैं। और बाकी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है ना, देखो हाय नॉर्थ ईस्ट पे ऐसा ट्रैक कभी नहीं किया था मैंने। हाँ और भाई पता ही नहीं लग रहा कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ रास्ते कहीं इधर गया हुआ है कहीं रास्ता इधर गया हुआ है, और समझ नहीं आ रही कि अभी रोड कौन सा है। इसलिए भाई अगर आप लोग आते हो ना गाइड लेके आना अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो, वरना आ जाना हमारी तरह। अगर गुम हुए तो भाई अपने रिस्क में जो होगा देखा जाएगा। अगर दो दिन तक हम घर नहीं पहुँचे और नीचे नहीं पहुँचे तो लाइक यहाँ पर ढूंढने आएंगे, ढूंढने आएंगे बोल रहे थे, पर मेरे को नहीं लगता कि कोई ढूंढने आएगा ऐसे जंगल में। तो अगर आप यहाँ पे खो जाते हो ना, अगर गुम हो जाते हो तो आप आपका मरना तय है गाइस, मरना तय है। अभी देखो गाइस कुछ ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे नीचे देखो, तो बहुत ही मतलब डेंजर एक्सपीरियंस हो रहा है। लाइफ में ऐसा ट्रैक मैंने कभी नहीं किया ऐसे जंगलों पे। भाई आराम से वेट, ओ यहाँ तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं है यार, ट्रैक बस नाम का है और एंट्री चार्ज वगैरह लेते हैं, लाइक कुछ तो मेंटेन करना चाहिए कम से कम। जाए तो अब जाएगा, हाँ हम गलत तो नहीं आ रहे, कुछ अता पता नहीं लग रहा यार कहाँ पहुँच गए। यहाँ से भी दो रास्ते गए हुए, एक इधर को गया है एक इधर को गया है, किधर को ये ऊपर दिख रहा है कुछ, कुछ नहीं दिख रहा यार। चलो इस साइड से चलते हैं। ओए भाई भाई आराम से, आज तक आपको ऐसा ट्रैक किसी ने नहीं दिखाया होगा। यहाँ पे देखो लाइक ऐसा डाउन है, बिल्कुल पूरा डाउन है। ओह मैन काफ़ी रिस्की है भाई, ये देखो आगे इधर एक रास्ता गया है ना, बिल्कुल पहाड़ी ऐसा है और इसमें जंगल से लाइक जंगल को तोड़ तोड़ के, पता नहीं ये किसने रोड बनाया है, इसी किसी ने रोड बना रखा है लाइक हल्का सा, तो इसी को देख के हम आ गए यहाँ पे। और गलत गलत रास्ता है ये, यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है गाइस। ये देखो कुछ ऐसी चढ़ाइयों से आए, ये देख रहे हो पैर मैंने फंसा रखा है इस पर, और बिल्कुल ऐसा है डाउन, तो आई फिर नीचे जाना पड़ेगा जहाँ से आए थे। एंड एक रास्ता इधर को गया लेकिन इस पर हम नहीं जा रहे क्योंकि चलने लायक जगह ही नहीं। देखो बिल्कुल ऐसा है, स्लोपिंग है, अगर पैर फिसलाना सीधा नीचे चले जाएंगे। यार ऑप्शन नहीं है अभी दूसरा कोई, बस अभी नीचे जाना पड़ेगा। चलो नीचे चलते, कैमरा ऑफ करता हूँ क्योंकि अगर यहाँ से गिराना कैमरा कभी खोल भी नहीं पाऊँगा। चलो नीचे जाके मिलता हूँ। तो यहाँ के लोग सही बता रहे थे कि गाइड वगैरह लेके जाओ क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आप खो जाओगे। और यहाँ भी देखो ऐसे खुजली का पत्ता है एंड यहाँ पे लग गया हाथों में, एंड देखो पूरा खुजली भी होने लग गया है। चलो भाई हम तो ऐसे ही नेक्स्ट लेवल वाले एडवेंचर दिखाते रहेंगे आपको, बने रहो आप लोग। एंड वीडियो को अगर चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहो। ओह भाई देख रहे हो क्या, आपने कभी ऐसा ट्रैक किया? और अगर क्या आप कभी ऐसा ट्रैक करना चाहोगे कमेंट करके बताना, मैं तो दोबारा नहीं करना चाहूँगा लाइक ऐसे ऐसे जगह पे। देख रहे हो बिल्कुल जगह है ही नहीं। ओके और गाइस ये क्या चीज़ है, जंगलों पे हमने सुना है कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, आई थिंक ये भी कुछ जड़ी बूटी है, देख सकते हो काफ़ी
यूनिक्स है, पहली बार देख रहा हूँ। और भाई मैं तो बोल रहा था लॉन्ग कट से चलेंगे, हमारा ये पीयूष भाई ये हमें शॉर्ट कट से ले गया था। हाँ भाई, अरे जा इसकी भाई, जो ये पहले क्लिप ऐड करेगा ना खुद पता चल जाएगा आपको कौन शॉर्ट कट से लेके जा रहा था। और जब मैं ही लेके जा रहा था क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई बहुत नाराज़ हो गया। चलो भाई जिंगा लाल आहू, टाइम बहुत कम है, दौड़ के चलते हैं। फुल अब तो ऊपर जाने का गजब लेवल का एक्सपीरियंस, एनर्जी आ चुका है। आजा भाई दौड़ क्या भाई, यूपी यूपी का ट्रैक करता है ये उत्तराखंड का, कुछ नहीं इसको पता ही नहीं था कि कहानी खत्म हो, पता ही नहीं था भाई नॉर्थ ईस्ट का ट्रैक कैसा होता है। फट गई इसकी, हाथ में आ गया, वापस जाने की बातें कर रहे हैं। देख लिया भाई ये नॉर्थ, अभी रुको, अभी जब इसको कैंप दूंगा ना तब इसकी हालत देखना ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट कैंप में ही है। ये नॉर्थ ईस्ट है भाई, यहाँ सब कुछ गजब का होता है, इसलिए भाई नॉर्थ से आगे एक्सपीरियंस करो, इसके जैसा आपका भी हालात खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस पहाड़ियों की लाइफस्टाइल, यहाँ पे खेती कर रखा है काफ़ी मस्त, फूल गोभी बंदा गोभी वगैरह। एंड वहाँ पे देखो उनकी घर है, एक झोपड़ी है छोटा सा, तो खेती करते हैं एंड इसी झोपड़ी में रहते हैं एंड फिर वो वापस चले जाते हैं। बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई, एक्सट्रीम, बहुत टाइम वेस्ट हो गया ऊपर चढ़ के, वरना यहीं पर अगर आ जाते तो अभी काफ़ी आगे तक पहुंच गए होते। तो नेचर के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे नागालैंड में बहुत दिनों से हमने चिड़िया की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़िया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हंटिंग करते हैं ना, तो लाइक नीचे चिड़िया दिखती नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखो काफ़ी दूर आ गए हैं, और व्यू देखो यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू है, इस वाले माउंटेन का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं उधर ही, और यहाँ पर देखो छोटा सा ब्रेक लिया हमने, बिस्किट खा रहे यार, खाना है हमारे पास, पैक करके रखा हुआ है टिफिन में, लेकिन खाने का टाइम नहीं लग रहा, और क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है एंड जगह भी नहीं मिले कुछ अच्छा सा, तो बिस्किट खाते हैं और चलते हैं। पीयूष भाई मेरे को ये देखो अपना बैग अब मेरे को पकड़ा रहे, क्योंकि इसके बैग पे बहुत पता नहीं ये क्या लेके आए, यूपी से लोहा वगैरह डाल के लाया लगता है, इतना भारी इसका बैग। तो अभी बैग एक्सचेंज कर रहे हैं और फिर ऐसे एक्सचेंज कर करके जाएंगे, क्योंकि उसका बैग पे टेंट है ना तो थोड़ा भारी हो रहा है, तो ऐसे मिल बांट के चलेंगे, देखते हैं शाम होने से पहले पहुँचते हैं कि नहीं। सो भाई देखो बैग एक्सचेंज हो चुका है, पीयूष भाई ने मेरा बैग ले लिया है और उसका ये भारी सा लोहा डाल के बैग मुझे थमा दिया भाई। लेकिन भाई आपको तो पता ही है कि आपका भाई कितना पावरफुल है, देखो 20 के जी से कम नहीं होगा, लेके हम चढ़ रहे हैं इस ट्रैक पे। हमें पता भी लगा है कि यहाँ से झुको जाने के दो रास्ते हैं, तो हम लोग आ रहे हैं लाइक आई थिंक ये शॉर्टकट रास्ता है और एक रास्ता दूसरा भी है, तो लोग मिले थे जो बता रहे थे कि वो दूसरे रास्ते से गए थे और दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो ये वाला जो रास्ता है ना इसे बहुत ही कम लोग जाते हैं, देखना बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही ख़तरनाक होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नदी है, ये देखो भाई साहब कितना गजब का सीन है, ये देखो यार कितना ख़तरनाक जगह है ना, बहुत ही मस्त है। एंड देखो यहाँ से पाइपलाइन यहाँ से गई हुई है, इसी नदी का पानी पीने के लिए लिया जाता है। ओए, ओए। भाई बहुत फिसला ने, वो भी गया था शायद, आज हाथ पैर टूट जाते। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:42 और देखो लग रहा है कि शाम हो गया, काफ़ी मतलब जंगल के अंदर अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे 4:30 को शाम हो जाएगा, तो अब हमारे पास बस और 2 घंटे भी नहीं है, तो इसलिए हम फटाफट चल रहे हैं एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ट्रैक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बने रहो गाइस, देखो यार ऐसा भी ट्रैक है नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है, मज़े लेना, रिस्क लेना पसंद है, आपको रेकमेंड करूंगा झुको ट्रैक जरूर करें, झुको वैली जाए
काफ़ी मज़ा आएगा, अपना भी फर्स्ट टाइम है जाके, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। और अभी 3:05 हो चुके हैं काफ़ी दूर चलने के बाद, हालात देख सकते हो क्या हो गया, आते समय क्या था अभी क्या हो गया, और 3:05 हो गए हैं और बहुत देर के बाद लाइक ऐसा उजाला रोशनी देखने को मिला है। काफ़ी अंधेरा था अंदर क्योंकि टोटली जंगल है बस यहाँ पे, दूर दूर तक किसी भी लोगों को आता पता नहीं है। हाँ ये ट्रैक लाइक बहुत ही एडवेंचरस है भाई, ख़तरनाक लेवल वाला। एंड अभी कुछ लोग मिले थे एक दो, उन्होंने बताया कि और 3-4 घंटे लगेंगे, अभी 3 बज चुके हैं, 4, 5, 6, 7 बजे यहाँ तो 4:30 बजे पूरा रात हो जाता है गाइस, पता नहीं आज क्या होगा। चलो जितना हो सके स्पीड चलने की कोशिश करते हैं और आप लोग भाई बने रहो, काफ़ी दूर जाना है यार अभी और काफ़ी भूख भी लग रहा है। मैगी का पैकेट था ये वाला, लाइक कच्चा भी खा सकते हैं तो अभी इसी को खा के चल रहे हैं, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है और काफ़ी एनर्जी जा रहा है यहाँ पे। इतना हालत ख़राब हो चुका है ना, एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, सांसें काफ़ी फूल रही है और शाम भी होने को है, एंड शाम होने से पहले मुझे नहीं लग रहा कि हम पहुँच पाएंगे प्लेन्स पे। थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके जा रहे हैं, सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल रही है बैग क्योंकि बहुत भारी है ना, और मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पे भालू वालू भी मिलते हैं, तो रिस्की तो है यार बहुत, और भरोसा नहीं है कुछ भी मिल सकता है क्योंकि ये जंगल ही इतना घना है, एंड पहाड़ों में तो कुछ भरोसा नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है, बाघ वाघ भी मिल सकते हैं क्योंकि देख सकते हो चारों ओर पहाड़ियाँ बस, और इस पहाड़ियों में हम ट्रैक कर रहे हैं। ये ट्रैक करते समय ना ऐसे डंडे ले लेना आप भी, अगर ट्रैक करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। एक कदम भी चलने का मन नहीं कर रहा यार कसम से, लेकिन हमें चलना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास रेस्ट करने का। ये देखो कितना ऊंचा चढ़ के आ रहे हैं अभी, और इधर देखो कितना ऊंचा ट्रैक है भाई, मन तो कर रहा है यहीं पे लेट जाओ सीधा, बहुत ख़तरनाक ट्रैक है यार ये जुको ट्रैक। आने का प्लानिंग कर रहे तो सो संभल के आना, प्रैक्टिस करना पहले तभी आना। वैसे मैं बहुत दिन के बाद ट्रैक कर रहा हूँ ना, सही में मैं बता रहा हूँ बहुत हालत ख़राब हो गया, और यहाँ के पहाड़ भी ऐसे है ना लाइक एक होता है कि दिल खुश हो जाता है, वैसा नहीं है, डिफरेंट टाइप का है। आवाज़ भी काफ़ी धीमी हो चुकी है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हो चुका है गाइस। चलो आप लोग बने रहो, अंधेरा होने को ही अभी 4 बजने वाले हैं, लेकिन हम लोग जंगल के बीच में ही अभी तक। चलो करते हैं जल्दी से ट्रैक। ओह एक एक सीढ़ी चलने में कितना ज़्यादा मेहनत लग रही है यार, ऐसा लग रहा है कि 4-5 सीढ़ी चढ़ जा रहा हूँ तो बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा फील हो रहा है। देख रहे हो सीधी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, नीचे देखो भाई या ओ ओ मैन। ये देखो गाइस ट्रैक करते करते पूरा रात हो चुका है और भाई हम लोग अभी तक जंगल में ही हैं, बहुत बुरा सीन हो गया यार, बुरे फंस गए हम यहाँ पे, जंगल से निकल ही नहीं पाए और पता नहीं कितना लंबा ट्रैक है। बने रहो आप लोग यार, एंड रात में जानवरों का भी बहुत खतरा हो जाता है, पता नहीं और कितना लंबा ट्रैक है। चलते हैं, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है।
ये देखो यार भाई बुरा फंस गए अभी हम लोग जंगल में। रात के अभी 6:30 हो गए और पूरा अंधेरा छा चुका है। देखो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही घना जंगल है। पीयूष भाई यहाँ पे गिर गया है, सिर चकरा रहा है भाई का और अपना भी कुछ यही सीन है यार। ये गलत पंगा हो गया आज हमारे साथ। काफ़ी लेट निकले ना, तो हमने सोचा था कि हम कर लेंगे, लेकिन उजाला रहते रहते हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ऊंची चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारा लग रहा है इस पे। एंड हमने तगड़ा डाइट भी नहीं लिया था, बस ब्रेकफास्ट में चाय वगैरह खाए थे और ट्रैक पे निकल गए। बहुत ही गलती किया, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे ट्रैक पे। एंड जुको पे भाई ये जो ट्रैक है ना, लाइक बहुत ही डेंजर है। देखो कितने ऊँचे ऊँचे स्टेप्स है और बिल्कुल भाई। और हमने एक गलती क्या कर दिया पता है, बैग लेकर आ गए। 20 kg वजन है यार इसका। यहाँ पे तो लोग खाली बिना बैग के ही चढ़ नहीं पाते, हम बैग लेके चढ़ रहे हैं। तो चलो अभी बने रहो, देखते हैं क्या होता है, कितने देर में पहुँचते हैं। बने रहो गाइस। भाई अभी बैठे हैं यहाँ पे, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या हाल है भाई? जिंदा हूँ। चल जिंदा हूं। चल पाएगा ना ऊपर तक? हाँ बिल्कुल। देखो यार क्या हालत हो चुका है हमारा, बहुत बहुत बुरा हाल है। तो गाइस रात के 6 बज चुके हैं और ये देखो कपड़े का क्या हाल हो गया है। और ये जो मैं ये देखो डंडा लिया है ना मैंने, लाइक बर्फ़ की तरह जम गया है। और ये हाथ का हालत देखो, ब्लड पूरा का पूरा जम चुका है, लाइक ऐसा मोड़ मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ सही से। लोगों ने बताया था कि बहुत ठंड है, देख सकते हो ब्लड किस तरह से जम चुका है हाथों में, ये देखो। और आपको अभी एक दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो वे टू जखामा, यहाँ से डाउन साइड जखामा का रास्ता है। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर, लाइक और 10 स्टेप हैं उसके बाद ऊपर पहुँच जाएंगे। लिटरली यार आज के जितना झिला हूँ ना कभी लाइफ में, इतना कभी नहीं झिला था। और बात इस बात का डर था कि लाइक जानवर वगैरह मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे थे कि सब कुछ बालू वगैरह शेर वगैरह भी मिल सकता है, क्योंकि जंगल ही इतना ख़तरनाक है, पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी, तो पहाड़ियों के पार में तो जानवर रहता ही है ऑलमोस्ट। बहुत हालत ख़राब हो चुका है अभी। चलो अभी ऊपर चल के दिखाते हैं, 7 बजने को है भाई। ये देखो कैसे कैसा ट्रैक है भाई, ऐसे पत्थर पत्थर पे चढ़ना पड़ रहा है। ओ ये देखो भाई। ये देखो अपना पीयूष भाई, भाई अबे बस इतना मतलब बर्फ का हवा आ रहा है ना, हालत खराब हो रहा है। अभी जैकेट वगैरह डालना पड़ेगा। ओ आराम से, आई थिंक यहाँ से वो काफी दूर जाना है, यहाँ से बस जो चढ़ाई थी ना वो खत्म हो चुकी है। ये देखो द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। You are now entering plastic free zone. कपड़े पहनेगा? Guys, कपड़े पहनना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी पूरा पूरा सुन्न हो जाएगा, नहीं तो बर्फ की हवाएं चल रही है। कपड़े लगा ले भाई। भाई कपड़े कपड़े पहने क्या, मुझे लगता है कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत ही ठंड। कपड़े लगाना पड़ेगा भाई जल्दी। पूरा सुन्न हो गया भाई, ऊपर आके नीचे मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ का तो बहुत सुन्न हो गया। ये देखो भाई हाथ पूरा कपड़ा जम रहा है। तो चलो पहले कपड़े लगाते, फोन भी जैसे तैसे मैं पकड़ रखा, पहले कपड़े पहनते। चलो चलो भाई साहब इतना ठंड है यार, देखो जैकेट वैकेट डाल लिया हमने, बैग पैक कर लिया। अभी देखो 6:30 हो चुके हैं और यहाँ भी इतना गजब का ठंड है ना, लाइक हम आइस बॉक्स में वैसा लग रहा है। हाथ पूरा का पूरा सुन्न हो चुका है, हाथ पैर। और ये देखो यहाँ पे पता नहीं ये क्या है,
बस झाड़ियाँ दिख रही है चारों ओर, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। गलत आ गए लग रहा है यार यहाँ पे हम बेकार में। हमने सोचा था बहुत ही सुंदर कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे तो बस झाड़ियाँ दिख रही है। सुबह से भी रात के 7 बजने वाले हैं और फाइनली हम लोग देखो कैंप पे पहुँच गए। यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, सुबह दिखाएंगे आपको। एंड यहाँ पे देखो बैग वैग यहाँ रख दिया है, ये देखो बैग वगैरह इधर रख दिया है, यहाँ देखो बैग वगैरह रख दिया है। यहाँ पे अपना पीयूष भाई, और भाई कैसा लगा एक्सपीरियंस? भाई ऑलमोस्ट डेड। एक बार को फील आया कि आज तो गया, शायद ही लाइफ में आखिरी दिन हो। लेकिन जब लगा कि थोड़ा नीचे उतरे, हवा कम लगी, मतलब थोड़ी जान में जाना है, क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन हो चुके थे। ये सब बैग में है, यहाँ टेंट लगा हुआ है, एंड ये बेस कैंप। तो अब हम भी यहाँ पे टेंट लगाएंगे। इधर दिखा पीयूष, यहाँ हमें जगह दिया है छोटा सा, तो यहाँ पे भी टेंट लगाएंगे फटाफट। तो भाई अभी टेंट के अंदर आ गए हैं, और हालत इतना बुरा हो गया था ना आते आते, कहीं बताओ आपने देख ही लिया कितना हालत ख़राब था। एक एक स्टेप चढ़ने में मतलब हालत ख़राब हो गया था। और मेन चीज़ तो रात हो गया था ना, बहुत रात हो गया था, और रात को हमें डर इस बात का था कि लाइक कहीं जानवर ना आ जाए कोई, और किसी भी चीज़ का खतरा नहीं था, बस जानवरों का खतरा था, क्योंकि रात को जानवर बहुत आ सकते हैं। एंड हमारे पास लाइक खाने पीने का चीज़ भी था, तो जानवरों को लाइक खाने पीने का चीज़ से बहुत उनको लाइक अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी पानी कर। ओ मैन, बंद कर दिया क्या? हाँ बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, मैं सोचा खुद बंद हो गया। तो ये देखो पानी गर्म किया है, क्योंकि बॉडी बहुत ही डिहाइड्रेट हो गया, क्योंकि हमने सुबह से हम बस चाय और हमने नमकीन खाया था। एंड हमने ये देखो यहाँ पे देखो अभी हमने खाना पैक करके लेके आए थे। अभी देखो बॉइल सब्जी भी हमारे पास में, और चावल और सब्जी वगैरह सारा पैक किया था। हमने सोचा दिन को खाएंगे, लेकिन ट्रैक करते करते ना बिल्कुल लाइक खाने का जगह ही नहीं मिला और टाइम ही नहीं मिला। और देखो पूरा ठंडा हो चुका है ये भी। गर्म पानी के साथ खाते हैं ना, दोबारा बनाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी और एनर्जी लेवल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं अभी ना, 10 कदम भी चलने लायक एनर्जी नहीं है। ये देखो ये आज अपना लाइक अभी इसको खाएंगे, उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे खाने के लिए। और ये गर्म पानी क्या, ये देखो ये बॉयल सब्जी है जो कि हम लोग लेके आए थे, जो कि हम लोग लेके आए हैं रोजू भाई के घर से, जिसने लाइक पैक करके दिया हमें। बहुत ही अच्छा था रोजू भाई, देखो यार खाना भी पैक करके दिया एंड रात को रहने को भी दिया था। और देखो पीयूष भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? भाई एक्सपीरियंस तो आप वीडियो में खुद महसूस कर सकते हो कितना बैड एक्सपीरियंस था। तो एक बार को तो लगा कि गए, एक बार को तो लगा कि भाई शायद ये आखिरी दिन है, क्योंकि भाई जैसे ही टॉप पर गए इतनी तेज हवा लगी, हाथ पैर सुन कुछ भी नहीं काम कर रहे थे। लेकिन बस थोड़ा जब धीरे धीरे नीचे आए तो थोड़ी राहत मिली और शांति मिली। खैर जिंदा है, और एक बार को तो लगा कि शायद ये आखिरी वीडियो आप लोगों के लिए, और पता नहीं वीडियो डाल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अब शांति है और अच्छा लग रहा है। और अब ये लग रहा है कि हम वीडियो डाल पाएंगे और जिंदा वापस भी जा पाएंगे। कल हम बहुत जल्दी निकलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं हम क्यों आ गए। लाइक आना तो चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के देखेंगे क्या सीन है, क्योंकि हम रात को आए कुछ भी दिखा नहीं, बस झाड़ियाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, हर तरह झाड़ियाँ झाड़ियाँ है, बिल्कुल लाइक प्लेन सा भी माउंटेन है, झाड़ी वाला है। तो चलो देखते हैं अभी, सबसे पहले तो इसको खाते हैं, उसके बाद ही सोचेंगे कुछ भी क्या पकाना है क्या नहीं। एंड गाइस यहाँ पे भी खाना पीना लाइक आपको मिल जाएगा, बेस कैंप जो है ना यहाँ पे खाना पीना का सर्विस मिलता है, लेकिन आपको पर प्लेट 250 लगेगा, लाइक आप जितना भी खा सकते हो। आलू फ्राई, दाल वो भी पानी वाला लाइक पतला सा, एंड चावल मिल जाएगा। तो अपना लाइक कुछ ऐसा ही मिलेगा, आलू फ्राई हमारे पास भी, चावल है, बस दाल नहीं है हमारे पास, बॉयल सब्जी है, लेकिन यहाँ पे आपको दाल भी मिल जाएगा। एंड 250 लगते हैं, एंड कैंपिंग का अलग से, लाइक अभी तक तो हमें बताया नहीं कितना चार्ज करेंगे। तो देखो चलो अभी डिनर कर लेते हैं। और भाई खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है भाई, एंड उसकी मम्मी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे लिए। देखो यहाँ पे इतना अच्छा खाना बना के, इतने इतना ज़्यादा भूख लग रहा है कि क्या ही बोले यार। बहुत बहुत थैंक यू रोजू भाई, अगर आप देख रहे हो तो देखो आप अपने घर से पैक करके लेके आए थे, वो यहाँ पे खा रहे हैं। दिल से थैंक यू भाई, सच में दिल से थैंक यू। और देखो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, फुल सेट होके बैठे हम, देखो वार्म कपड़े पहन लिए पूरा। तो गाइस तो भाई खाना वाना खा लिया, और देखो पूरा सेट होके बैठे भाई। और हम यहाँ पे ताक रहे आग, आग अपना, ये देखो जुगाड़, जुगाड़ नहीं है मस्त वाला जुगाड़ है, मस्त गर्मी हो रहा है टेंट के अंदर।
और फुल जितने भी गर्म कपड़े थे ना सारे पहन लिए। एंड अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है खाना वाना खा के गर्म पानी पी के, वरना तो ऐसा लग रहा था कि हम भाई मर ही गए। जैसे हम ट्रैक ख़त्म करके पहाड़ पे चढ़े ना, लाइक एक ऐसा हवा आया इतना, लाइक हमें जमा के रख दिया भाई। ये भाई तो नीचे भाग गया था, कहाँ गया था? अरे वो नीचे में इसलिए गया था क्योंकि हवा लग रही थी, पूरा सुन कर रही थी, हाथ भी अपने आप को भी। अब मुझे कपड़े निकालने के बाद जो गर्म बनियान पहनना था तो कपड़े निकाल के पहनना था, तो इसलिए थोड़ा क्लोज रेंज में चला गया। तो नीचे गया कपड़े पहन के, वापस आया फिर बैग से जैकेट, तब जाके जान बची भाई। नीचे जाके कपड़े वपड़े पहन के आया भाई, क्योंकि लाइक पूरा खुला था ना, ओपन था, तो हवा सीधा एक टॉप पे ऐसे चढ़े। अब टॉप पे खड़े होंगे तो पूरी हवा ही लगेगी ना, हवा भी वो थी मतलब पूरे बर्फ को छू के आ रही थी भाई, फुल मतलब आइस आइस था, लाइक हाथ हम ऐसा भी नहीं कर पा रहे थे मूव, बहुत खतरनाक था। अब खाना वाना खा लिया जो भी कुछ था, एंड अब फिर पकाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये देखो ये बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है यहाँ पे, ओस गिर रहे हैं ना, तो टेंट में मतलब पूरा पूरा पानी अंदर अंदर तक चिपक रहा है। तो अभी देखो भाई पीयूष भाई यार बांध रहे हैं यहाँ पे खिल्ली गाड़ के, ताकि जो भी पानी आएगा वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। तो भाई अभी मैगी पका रहे हैं, देखो यहाँ पे ये भुने हुए चने हैं, इसको भी खा रहे हैं। एंड यहाँ देखो अपना मैगी का रेसिपी है आज का। एंड यहाँ देखो अपना तेल वेल गर्म हो चुका है। कैसे चने कैसे है? अच्छे चने, वैसे अच्छे पौष्टिक है चने। चने खा रहे हैं भाई, बहुत सारा विटामिन का जरूरत है, क्योंकि कल चावल नहीं खा के बिंदास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और ना हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं और ना वीडियो एडिट कर सकते, क्योंकि लाइट भी नहीं है। एंड पावर बैंक, मेरा जो पावर बैंक है ना, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक जो पावर बैंक था मेरे पास, दो पावर बैंक था, एक चोरी हो गया। लाइक हम होम स्टे पे रुके हुए थे जहाँ पे लास्ट टाइम, तो वहाँ पे हमने टेंट लगाया था, तो कुछ बंदे आए थे और उड़ा के ले गए चोरी करके। यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार, हमें कितना दिक्कत हो रहा है पावर बैंक के बिना। लाइक अब बस एक पावर बैंक के, सोच सकते हो कितना पावर का ज़रूरत। अगर अभी पावर बैंक होता तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है। अभी मेरा एक फ़ोन डाउन पड़ा है और एक फ़ोन जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी इसको सीधा मैं, ये जो फ़ोन है ये डाउन पड़ा है, कल ही चार्ज हो पाएगा ये। तो चलो अभी मैगी बनाते हैं फटाफट और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा हुआ। और ये हमारी अब डल चुकी है मैगी, तो कुछ ही देर में जैसे ही मैगी रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा भाई मैगी खाने में, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा। जितनी तकलीफ़ों के साथ आए ना उतना ही मज़ा लेके जाएंगे। तीन पैकेट डाल दिया, न्यूट्रेला डाल दिया, बीन्स एंड बस यहाँ पे टमाटर का हमें कमी हो गया, मिल नहीं पाए थे ना, इस वजह से हमने बहुत ढूंढा दुकानों पे। यहाँ का दुकानों का भी सीन कुछ अलग ही है यार, लाइक बहुत ही कम दुकान है एंड छोटे छोटे दुकान थे। खजीमा कुजुमा था लाइक, नाम बहुत ही हार्ड है। तो चलो अभी देखो पक रहा है, फ्लेम बढ़ाते हैं, फ्लेम थोड़ा ये, अब 5 मिनट में मैगी बन के तैयार, उसके बाद खाएंगे मजे से चावल के साथ में एंड फिर सो जाएंगे। और ये देखो भाई मैगी वैगी तैयार हो चुका है अपना, एंड ये अपना चावल जो बचा हुआ था, तो चलो अभी ट्राई करते हैं मैगी कैसा हुआ है। जी अभी दोबारा डिनर कर रहे हैं, एक ही लाइक एक ही शाम को दो बार डिनर कर रहे हैं। सही है ना, मजा आ रहा है ना, सही है भाई, लाइफ हो तो ऐसी भाई, खाओ पियो जियो मजे करो घूमो। चलो अभी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। ये सोयाबीन डाला था हमने कच्चा ही, लाइक कच्चा ही नॉट मतलब बिना भिगोए डाला हुआ था। आगे देखते हैं, ये देखो कुछ ऐसा, मज़ा आ गया, काफ़ी मस्त यम्मी है। फटाफट फिनिश करते हैं इसको, तो अभी मैगी टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनाई है हमारे अमन भाई ने। काफ़ी अच्छी बनाई है भाई, मस्त, थैंक यू सो मच यार अमन भाई, मज़ा बांधे यार आपने, मज़ा आ गया भाई, भाई कुक बड़े जबरदस्त, खाना वाना मस्त बना था एकदम। तो अपना डिनर हो चुका डन, काफ़ी मज़ा आया और कुछ ज़्यादा ही हो गया था, हमने ज़्यादा बना दिया, तो इस फिर से टिफिन में पैक करके रख दिया है।
रात को भूख लग गया तो फीस भाई खा लेगा है ना। हाँ भाई अगर मुझको भी भूख लगेगा तो रात को खा लूंगा। लगेगी नहीं भूख क्योंकि बहुत हो गया यार, ओवर खा लिया, लाइक पूरा ओवर हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा बाद में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज जितना झिला है ना, लाइक पता नहीं इतना तो कभी झिलेंगे या फिर झिले भी नहीं थे। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे और कल और एक नए वीडियो के साथ। कल का मतलब वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, देखेंगे इतना झिलने के बाद क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको, मजे लेना। तो चलो बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।